हाय गाइस, वेलकम टू शालूज लव बुक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर आलू की सब्जी। ये गाजर आलू की सब्जी बहुत झटपट बनने वाली सब्जी है। इसको हम सिर्फ 3 मिनट में बनाएंगे। इसको आप सुबह के नाश्ते में, लंच में या डिनर में किसी भी टाइम पूड़ी, पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं। बनाना इसको बहुत आसान है। इसको बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी रेसिपीज आप कभी मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं इस टेस्टी सब्जी को बनाना, जो सिर्फ मैंने 3 मिनट में बनाई है। ये देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। ये देखिए, पैन में मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है मस्टर्ड ऑयल। इसके गर्म होने पर मैंने इसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच के करीब राई के दाने डाल दिए हैं। दोनों ही चीजें फूट गई हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। अदरक भी मैंने इसमें डाल दी है। कटी हुई अदरक मैंने डाली है, लगभग 1 इंच का टुकड़ा। तो इन सारी चीजों को हम भुनने देंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। ये देखिए, मैंने कुछ सब्जियां काट कर रखी हैं। मैंने गाजर छोटी छोटी काट कर रखी है। ये एक गाजर है, एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और 2 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए हैं जिसको मैंने बॉइल कर हाथों से ही मैश कर लिया है। तो ये देखिए, गाजर मैंने डाल दी है अपने तड़के में और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग 30 सेकंड तक हम इसको सौटे करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें गाजर को पकाना नहीं है, क्योंकि ये जब हमने तड़के में इसको डाला है तो ये खुद ही सॉफ्ट हो जाती है। तो ये देखिए, अब मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत गाढ़ी हो जाएगी हमारी ग्रेवी। ये देखिए, अब मैंने इसमें कटा हुआ टमाटर डाल दिया है। इसको भी हम मिक्स करेंगे। इसको भी हम हल्का सा गलने तक पकाएंगे। तो देखिए, मैंने इसके लिए नमक डाल दिया है। नमक डालने से टमाटर हमारा जल्दी गल जाएगा। अब ये देखिए, मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आलू डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। जितनी गाढ़ी या आपको पतली ग्रेवी करनी हो उतनी आप पानी डाल दें इसमें। ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको आप 1 से 1.5 मिनट के लिए बॉयल आने दें। इतने में ये गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, गाढ़ी हो गई है। सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको रोटी, पराठे, पूड़ी के साथ खाएं। नाश्ते में आप इसको खाएं, सुबह की पूड़ी के साथ खाएं। दोपहर के आप खाने में इसको आप रोटी के साथ खाएं, और रात को आप इसको पूड़ी या पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। बहुत अच्छी लगती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये झटपट रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।